नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का टेक्स का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कूल चेंजर 1C के बारे में। तो बहुत लोग इस फोन के बारे में जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो कूल चेंजर 1C फोन है, ये दो कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर से बनता है। पहला है ल इको और दूसरा है हमारा कूल पैड। तो ये दोनों कंपनियां साथ में काम करती हैं और मोबाइल फोन को डिजाइन करती है। फिलहाल तो ये कंपनियां अभी तक चाइना तक ही सीमित हैं। इंडिया में अभी तक इसका कोई भी स्मार्टफोन नहीं आया है। हालांकि ये दूसरा स्मार्टफोन है जो चाइना में लॉन्च होने जा रहा है। और इसकी बात इसके प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों, तो चाइना में इसकी प्राइसिंग है 899 चाइनीज यॉन। अगर उसे हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 9000 रुपये की प्राइसिंग निकल के आती है। तो दोस्तों 9000 रुपये की प्राइसिंग है इसकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो 9000 रुपये में दोस्तों आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जो आता है क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 652 के चिपसेट के साथ में। आपको इसके अंदर 3GB की रैम मिलेगी। आपको साथ ही साथ 4060 mAh की बैटरी मिलेगी। पीछे की तरफ आपको 13 MP का कैमरा दिया है अपर्चर 2.0 के साथ। सामने की तरफ आपको 8 MP का कैमरा दिया है अपर्चर 2.2 के साथ में। बात करें इसके बैटरी की, तो बैटरी में आपको क्विक चार्ज 3 का सपोर्ट दिया गया है, यानी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में आता है फोन ये दोस्तों। आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, साथ ही साथ डुअल सिम कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिलेगा। और ये फोन एंड्रॉइड के 6.0 यानी मार्शमेलो पे चलता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन है, मेटल बॉडी का डिजाइन दिया गया है, लुक्स भी काफी अच्छा है। और ये सब कुछ सिर्फ 9000 रुपयों में। जी हाँ दोस्तों, अगर ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा तो 9000 रुपये में ऐसी किलर स्पेसिफिकेशन, मतलब तोड़ू स्पेसिफिकेशन देने वाला ये एकमात्र अकेला सिंगल फोन है। अगर ये फोन लॉन्च होता है तो हमारा Redmi 3S Prime, Redmi Note 3 16GB वाला, Redmi Note 3 32GB वाला सब के सब मार्केट से आउट हो जाएंगे। क्योंकि 9000 रुपये की प्राइसिंग में आपको स्नैपड्रैगन का 652 यानी गेमिंग के लिए अच्छा फोन है, बैटरी में अच्छा फोन है, आपको इसके अंदर कैमरा अच्छा मिलने वाला है, सब कुछ ओवरऑल पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ में आता है, वो भी सिर्फ 9000 रुपये में दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये फोन जल्द से जल्द हमारे इंडिया में लॉन्च हो। फिलहाल तो अभी आपको चाइना में मिलेगा, 6 दिसंबर से इसकी अवेलेबिलिटी चाइना में स्टार्ट होने वाली है। ये आपको मिलने वाला है कूलपैड की साइट में और 2-3 चाइनीज साइट में मिलेगा। इंडिया में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन मुझे जैसे कि उम्मीद है कि ये फोन इंडिया में जरूर से लॉन्च होगा। अगर ये फोन लॉन्च होता है तो काफी अच्छी सेल देखने को इंडिया में मिल सकती है दोस्तों। तो बात करते हैं Xiaomi की और कूलपैड और लईको की। ये तो दोनों कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर इसीलिए किया है कि ये मार्केट को अपने कोलैबोरेशन के साथ में जो कंपनियां अच्छी कर रही है उनको तोड़ सके। अगर आप जानते हैं कि दो कंपनियां एक साथ मिलती हैं, ज्वाइंट वेंचर करती हैं, तो उनकी ताकत दो गुनी बढ़ जाती है। उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उनके वर्कर्स, उनके लेबर्स जितने भी हैं सब डबल स्ट्रेंथ से बढ़ना शुरू करते हैं। तो दो अगर कंपनियां मिलके किसी एक चीज पे काम करती है तो वो चीज काफी अच्छी बनती है। क्योंकि जो गलतियां लईको करता था उसको समझाने वाला कोई नहीं था, कूलपैड जो गलतियां करता था उसे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब दो कंपनियां साथ में काम करती हैं तो दोनों की गलतियों को नजर में ला सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और एक अच्छा मोबाइल डिजाइन कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि 9000 रुपये की प्राइसिंग में ये जो फोन आने वाला है ये कमाल का फोन है। बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है। ऑन पेपर तो स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, आने के बाद में पता चलेगा कि कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इस फोन के बारे में सब लोगों को बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोजाना ऐसे नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। टिल देन मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।